अब पिछले चुनाव में जो है बरसिंह बेनीवाल 35,000 वोट लेकर गए, उससे पहले के चुनाव में चूंकि गलत टिकट का वितरण हुआ और 13,000 में कांग्रेस प्रत्याशी रह गया। अभी वैसे हालात मुझे लगता है कि 20, 25, 26, 27, 23, 24 बस इसके बीच में जो आंकड़ा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रहने वाला है। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका कह लीजिए या फिर कांग्रेस जो तीसरे स्थान पर ही बरकरार रहने वाली है। और वैसे भी शहर में बीजेपी जो है वो उनको हमेशा ही वो जो है वो वोट मिलता रहा है, तो वहाँ पे एक नंबर पे जो बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा वो रहेंगे, तो अगर तीनों सेगमेंट हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में इनका वोट मेरे हिसाब से 40, 42, 45 हज़ार जो वोट है वो जो है वो मिलना चाहिए। मतलब 57,000 वोट मिला है तो 61-62 हज़ार वोट जो हैं उनके बनते हैं पिछले वोटिंग पैटर्न पे जाए जाए। और दूसरा जो पिछली बार 35,000 वोट जो कांग्रेस को मिला था उसमें से जो अब भरत सिंह बेनीवाल के जो कट्टर समर्थक है उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अभय चौटाला के पक्ष में जाने की संभावना है, तो वो चीज़ पंजाबी बेल्ट वाले जो वोट हैं वो भी जो बीजेपी को मिले थे वो भी अभय चौटाला के पक्ष में जा रहे हैं, तो इस प्रकार ये 7-8 हज़ार वोट जो है वो और उनके प्लस होते हैं। तो ये जो हमारा आइडिया 70,000 के आसपास जो है मैं मानता हूँ इस अभय सिंह की जो है वो लीड वोट उनको पोल होना चाहिए और लीड जो 25,000 प्लस होनी चाहिए। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और एलनाबाद के महा एग्जिट पोल में आज हम जिक्र करेंगे फाइनल नतीजों को लेकर, आंकलन को लेकर, किस तरीके का हमारे पास आंकलन है। और लगातार तेज हरियाणा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको तमाम तथ्यों के साथ, तमाम जो मुद्दों के साथ रूबरू करवाया और आज बेहद शांतिप्रिय तरीके के साथ मतदान हो चुका है। और अब 2 तारीख का सबको बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि इस महामुकाबले में देखने वाली बात है आखिर एलनाबाद का जो इस बार ताज है वो किसके सर पर सजेगा। उससे पहले सबसे बड़ी बात है महा एग्जिट पोल को लेकर, जिसमें आज हम तस्वीर स्पष्ट करेंगे। और इससे पहले भी तेज हरियाणा ने सबसे पहले ओपिनियन पोल के जरिए और तमाम जो हमारे एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचाकर तमाम तथ्यों से आपको बताया था कि किस तरीके का चुनाव रहने वाला है, और वो तमाम जो बातें हैं वो अब तक भी 100% साबित हुई है। सबसे पहले हम नजर दौड़ा लेते हैं, इस बार कुल 186,000 से ज़्यादा मतदाता इस बार मतदान कर चुके हैं, जो टोटल वोटर्स थे ये रहे, जिसमें से 99,000 पुरुष और 86,000 जो महिला मतदाता है। 211 मतदान केंद्र हैं जिनमें से 73 गांव, 38 गांव एलनाबाद के हैं, 34 गांव है वो नाथसरी चोपटा के पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है पिछला जो 2019 की अगर हम मतदान की प्रतिशत की बात करें तो वो 83.75% था, 2014 में वो 89% यानी कि करीब 90 के आसपास सबसे हाईएस्ट रहा, 2009 में 86%, 2005 में 78 और 2000 में 72%, यानी कि अगर आप 2019 और 14 को छोड़ेंगे तो बाकी जो 70, 75, 78% के बीच में ही मतदान हमेशा होता रहा है। सबसे बड़ी तीन बातें हैं 45 पंजाबी वोटर्स और शहरी मतदाता, ये तमाम है। और आपको पता है किसान आंदोलन की वजह से ये उपचुनाव हुआ है। और हमारे साथ खास मेहमान हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनके पास पूरा आंकलन है, हम आपको पूरे तरीके से बताएंगे, हर उनके तथ्यों को शामिल करेंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे विश्लेषक इससे पहले भी लगातार पिछले 35 सालों से लगातार वो तमाम चुनावों की प्रक्रिया को देखते आए हैं, समझते हैं। मेरे साथ हमारे खास मेहमान महावीर सहारण जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले सर, तेज हरियाणा वेब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद पन्नू जी। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया है कि बहुत अच्छा मतदान हो गया है, और किस तरीके के आपको रुझान शुरुआत में इस मतदान के दौरान कैसे देखते हैं, लोगों की जो उत्सुकता है, दिलचस्पी है इस बार मतदान में कैसी रही है, और ओवरऑल आप चुनाव को कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल। उपचुनाव होने की वजह से स्वाभाविक है कि लोगों में उत्साह होता है, और दूसरा ये है कि ये जो उपचुनाव हुआ ये किसानी आंदोलन के चलते हुआ। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने की वजह से सीट खाली हुई और चुनाव आयोग ने ये चुनाव करवाया, तो लोगों में एक अलग टाइप का एक ट्रेंड था किसानी आंदोलन को लेकर। और अब जो नतीजा आएगा, नतीजा भी परिलक्षित किसानी आंदोलन इसमें परिलक्षित होगा, नतीजे के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और जो 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 प्रचार चला, प्रचार उसमें भी जो है किसानी आंदोलन ने अपनी छाप छोड़ी, और नतीजा 2 तारीख को आएगा, देखते हैं उसमें हम। ठीक है,
सांसद साहब, तीन मुख्यतः पार्टियां थी, INLD, बीजेपी, JGP के सांझे उम्मीदवार और कांग्रेस। मैं शुरुआत में आपसे बहुत ही कम संक्षिप्त में समझना चाहूंगा सर, मुख्यतः तीनों पार्टियों के क्या क्या एजेंडे आपको लगते हैं इस बार जो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर तीनों पार्टियां मैदान में गई, और सबसे जो हावी जो मुद्दा रहा जो वोटर्स के जहन में भी था और उस पार्टी के जहन में था जिसके लिए चुनाव हो रहा था। देखो, बीजेपी JGP सत्तारूढ़ है प्रदेश के अंदर, तो उनका तो स्वाभाविक है, उन्होंने विकास के नाम पे वोट मांगना था और उनका एक उन्होंने एक लाइन पकड़ी कि आप सत्ता में भागीदारी करिए, 3 साल का भी टाइम है और आपको बनी बनाई सरकार मिल रही है और आप जो है सत्ता के साथ जुड़ के और हम आपका विकास करेंगे। ये जो ट्रेंड ऑलमोस्ट सत्तारूढ़ पार्टी का रहा। और दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने चूंकि इस्तीफा दिया, वो किसानी आंदोलन के चलते दिया था, तो उनका जो सारा प्रचार का दारोमदार था वो कंप्लीट इसी बात पे था कि उन्होंने, क्योंकि अब देखो आज का एक ज़माना है ऐसा कि कोई आदमी सरपंच बन जाए तो सरपंच के पद से कोई इस्तीफा नहीं देता। पूरे देश के अंदर, प्रदेश की छोड़ दो आप, जब से 8-10 महीनों से आंदोलन चल रहा है, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि ने MLA और MP के स्तर पे इस्तीफा नहीं दिया अभय सिंह चौटाला को छोड़कर। तो उनकी जो पूरी लाइन इसी बात पे जो है वो रही कि आज अगर मुद्दा, क्योंकि चूंकि ये बेल्ट जो है वो कंप्लीट जो है किसानी के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, कोई शहरी आबादी आप नहीं कह सकते, रूरल एक छोटा कस्बा एलनाबाद मान लो है, तो उसमें भी जो है अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश के लोग ही जो है वो निवास करते हैं, तो उनका जो मुद्दा मुख्यतः वो जो है वो किसान आंदोलन के ऊपर इर्द गिर्द घूमा अपने प्रचार में। तीसरे कैंडिडेट थे प्रमुख कांग्रेस पार्टी के पवन बेनीवाल, उन्होंने उनका प्रचार की कमान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने संभाली और वो भी गाहे बेगाहे केंद्रित करने की उन्होंने भी किसानी आंदोलन के ऊपर की, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो उनकी लाइन ये रही कि उनके पास जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगला चुनाव होगा, अगले चुनाव में संभावना है कि अगर बीजेपी JGP हारती है तो कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के चांस थे तो बनते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने जो अपना जो प्रचार का पूरा जो उन्होंने दारोमदार था वो उसी बात पे केंद्रित रखा कि इस वक्त आप हमें समर्थन दोगे तो आगे आने वाले चुनावों के अंदर जो पार्टी ये सत्तारूढ़ होने वाली है, इस लाइन पे उन्होंने जो अपना प्रचार को केंद्र बिंदु बनाया। मतलब 2024 की तैयारी में कांग्रेस ने अपनी नींव रखने की कोशिश किया, इसको सेमीफाइनल बनाने का प्रयास किया, और वो अलग बात है कि वो उन्हें उतना रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला, वो तो दूसरी बात है, लेकिन उनका प्रयास ये रहा और उनकी लाइन भी यही होनी चाहिए थी, ये लाइन उन्होंने अडॉप्ट करी। अब हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले हम कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। एग्जिट पोल जिसका हमारे जो विश्लेषक है वो आपको बताने जा रहे हैं उनका आंकलन क्या कहता है, क्योंकि वो भी जमीनी स्तर पर लगातार जुड़े थे, उन्होंने वहां पर जाकर भी लोगों के बीच में देखा और इतने सालों का बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है। सारण साहब, सबसे पहले हम कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं, क्या आंकलन कह रहा है आपके हिसाब से, कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली, कितने वोट आ सकते हैं, आपका जो आंकलन है कांग्रेस का? मैंने शुरुआत के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ तो एक वीडियो मेरी ये आई है तेज के ऊपर भी, तो उसको आप देखिए, वही जो बातें मैंने बताई हैं वो चुनाव के आखिरी दिन, मतदान के दिन अक्षरश वो बातें सत्य साबित हो रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जिस दिन उतारा गया गुटबाजी के चलते, क्योंकि वो प्रत्याशी कुछ समय पूरा भी बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और वहाँ पे कद्दावर नेता भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के 2 बार MLA रहे हैं, कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं और उनकी इस इलाके में एक अच्छी पैठ थी, उनका टिकट काट के पवन बेनीवाल को टिकट दी गई, कांग्रेस उसी दिन से पिछड़ गई थी और ये हमारा आकलन था कि कांग्रेस को इसका खमियाजा बड़ा भारी स्तर पर भुगतना पड़ेगा। और अब चुनाव नतीजा जो आपके सामने होगा 2 तारीख को, उसमें जो हमारी बात जो है वो बिल्कुल सत्य साबित होगी कि कांग्रेस को जिस शुरुआती दौर में कांग्रेस 2 नंबर पे हर व्यक्ति मान के चल रहा था, तो कांग्रेस बुरी तरह से 3रे नंबर पे आने की संभावना
कांग्रेस की वो बन गई और अब यकीनी तौर पे जो मतदान का ट्रेंड सामने आया है कांग्रेस प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर लुढ़क गया है और उसके लुढ़कने का प्रमुख कारण कांग्रेस द्वारा गलत प्रत्याशी चयन को माना जाएगा, ये हमारी सोच है। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी भी आपको लगता है कि तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते नजर आए और बहुत कम समय के लिए आए और उसके बाद चले गए, सिर्फ कमान है वो कुमारी सैलजा को ही संभालनी पड़ी उनके साथ? नहीं, प्रचार से इतना असर नहीं होता, प्रचार से इतना असर मैं नहीं मानता कि बड़े लीडर आए और दो चार लीडर और आ जाते तो उससे उसको। आप एक बात बताइए कि एक कांग्रेस ने उस प्रत्याशी को टिकट दी जो कांग्रेस जो जिसका पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विगत 7 साल से वो बीजेपी में थे, उससे पूरा वो इनेलो के साथ थे, उनका एक वहाँ पे पूरे जो है विधानसभा क्षेत्र है उन विधानसभा क्षेत्र के रूरल बेल्ट के अंदर उनका एक पूरा जो जिस जहाँ वो जिस पार्टी में थे उनका एक धड़ा था, उनके सामने कांग्रेस का एक धड़ा था, तो वो लोग उन लोगों ने हमेशा ही कांग्रेस का विरोध किया। आज कैसे संभव है कि एक दो महीने के बाद में वो जो उनके जो धड़े थे वो तो उन पार्टियों के पास रह गए और जो कांग्रेस का जो धड़ा था आज की डेट में जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना था वो आज कैसे एकमुश्त होकर उस व्यक्ति को वोट डाले जो जिनके साथ उनकी 15-20-25 सालों से इतनी दूरियां रही है, इतना विरोध रहा है, कैसे संभव उसके लिए वो आज कैसे वोटिंग कर दें? ये संभव ही नहीं है। इस बात का बहुत बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ा है और वो लोग जो कांग्रेस के जो लोग थे वो लोग निराश होकर घर बैठ गए। वो एक ठीक है कि फॉर्मेलिटी सबको पता है कि कौन नेता आके कैसे इन्होंने वोट मांगे हैं, किस तरीके से मांगे हैं, उससे सबको सब हर आदमी आज समझदार है, उनको सबको पता लगता है, लेकिन कांग्रेस का जो आधार मूल वोट बैंक उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी भी पार्टी का, जब कार्यकर्ता पूरी मेहनत से कार्य करता है तब पार्टी को जाके वोट मिलता है। अब पिछले चुनाव में जो है बरसिंह बेनीवाल 35,000 वोट लेकर गए, उससे पहले के चुनाव में चूंकि गलत टिकट का वितरण हुआ और 13,000 में कांग्रेस प्रत्याशी रह गया। अब भी वैसे हालात मुझे लगता है कि 20-25-26-27-23-24 बस इसके बीच में जो आंकड़ा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रहने वाला है। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका कह लीजिए या फिर कांग्रेस जो तीसरे स्थान पर ही बरकरार रहने वाली है, जो आंकलन कह रहा है वो यही है कि कांग्रेस की स्थिति अब 20 यानी कि 22 से आप मान सकते हैं और वो 26-27 तक जा सकती है, यानी 25 के दो चार ऊपर नीचे होने की संभावना कांग्रेस की जो रह सकती है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल जी। अब हम जिक्र करेंगे बीजेपी और जेजेपी का, हालांकि तीसरा मोर्चा भी साथ था हालोपा लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ और जेजेपी और बीजेपी ने ही सामने आकर उनके लिए गोविंद कांडा के लिए प्रचार किया और जैसा कि सांसद साहब ने पहले बताया कि बीजेपी इस मौके पर यहां पर तलाश कर रही थी, अवसर को तलाशने की कोशिश की जा रही थी, मगर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर 1991 से लेकर लगातार INLD का दबदबा रहा है और उससे पहले भी ताऊ का गड्ढे से माना जाता रहा है, कभी भी कमल इस धरती पर नहीं खिल पाया है। ऐसे में धनखड़ ने पहले से संकेत दिए थे कि हम इसे एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं, जमीनी तौर पर हम इसके साथ जुड़ना चाहते हैं इस हल्के के साथ और आगे आगे हम देखेंगे क्या क्या सिचुएशन बनते हैं। सबसे बड़ी बात है किसान आंदोलन इसमें सबसे हावी रहा। सर, अब हम गोविंद कांडा का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले मैं भूमिका समझना चाहूँगा, आपने क्या आपके आंकलन में आपको नजर आता है, क्या बीजेपी के तमाम लीडरशिप साथ रही उनके, जेजेपी के तो पूरा परिवार मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सबसे ज़्यादा उनको समर्थन दिया और वो जितना बोल सकते थे अपने परिवार के खिलाफ वो बोले हैं वहाँ पर, और बीजेपी के भी CM से लेकर तमाम जो नेता थे वो यहाँ पर देखे गए हैं, क्या आंकलन कहता है सबसे पहली भूमिका में आपको जो नज़र आया है? इसमें एक प्रमुख बात मैं आपको बता दूँ, जिस किसानी आंदोलन के चलते चुनाव जब प्रत्याशी नहीं उतारे गए थे उस वक्त ये तय था, लग रहा था कि अभय सिंह चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस 2 नंबर पे रहेगी और बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार 3 नंबर पे रहेगा, लेकिन दोनों एक बुनियादी अंतर अब क्या आया है कि बीजेपी जेजेपी का प्रत्याशी 2 नंबर पे आ गया और कांग्रेस 3 नंबर पे चली गई। इसका मुख्य कारण बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार चयन
बढ़िया तरीके से सही उम्मीदवार उतारना और कांग्रेस का गलत उम्मीदवार उतारना, ये दोनों दोनों जगह बीजेपी जेजेपी जहां सही उम्मीदवार उतारने में सफल रही है, वहीं कांग्रेस जो है वो गलत उम्मीदवार उतारकर इस पोजीशन के लिए खुद जो है वो जिम्मेवार है। बीजेपी जेजेपी को मालूम था कि उनका कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि किसान ही आंदोलन के चलते वो जो इतना विरोध यहाँ पे हो झेल पाने की स्थिति में कोई स्थानीय प्रत्याशी उनके पास नहीं था। उन्होंने प्लान बनाई और उनको मालूम था कि उनको पैसे खर्चने वाला और प्लस जो है कुछ बाहुबली दबंग टाइप का जो नेता हो वो अपने दम पे वो जो मुकाबला जो है वो किसानी आंदोलन का कर सके। और सारा प्रचार अगर आप देखा जाए तो इसमें वो सफल भी रहे। उन्होंने जो है जिस तरीके से प्रचार किया, चाहे उसमें सरकार का भी सहयोग रहा, सारा कुछ जो है वो सरकार ने इतनी फोर्सेस उनको साथ दी, बावजूद इसके जो है गोविंद कांडा को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी अपने इस एजेंडे में सफल रही है। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से वो चुनाव लड़ने का उनका एक अलग तरीका है, रानिया में उन्होंने चुनाव लड़ा है, सिरसा में चुनाव लड़ते रहे हैं, उससे पहले वो चुनाव लड़वाते रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए जेजेपी बीजेपी के प्रत्याशी ने अगर जैसा विरोध जिस प्रकार था और जिस प्रकार की किसानी पृष्ठभूमि का ये इलाका था, इसमें ये अगर दो नंबर पर आ रही हैं तो ये भी मैं उनकी एक बड़ी उपलब्धि मान रहा हूँ। और इस उपलब्धि का प्रमुख कारण कांग्रेस द्वारा बेवकूफाना जो है तौर पर टिकट वितरण में जो गलती की गई उसके चलते उन्हें जो अपना दो नंबर पर आने में उन बीजेपी प्रत्याशी को जो है कांग्रेस का एक तरह से सहयोग माना जाएगा। सर साहब, आपको लगता है कि जो असल में बीजेपी का तो निशाना ही वहां पर किसानी आंदोलन को कमजोर करना था ना, और आपने कहा कि वो कामयाब भी हुए हैं क्योंकि इतने बड़े जब विरोध के संकेत थे कि गांव में घुस तक नहीं पाएंगे और जो सिलेक्शन था वो चुनाव में इसमें जो एक प्रोसेस था उम्मीदवार का वो बहुत अच्छा रहा, कांडा को वो लेकर आए, आपको लगता है कि जमीनी तौर पर जो एक बीज अंकुरित करना चाहती थी बीजेपी उसमें कामयाब हो गई है? नहीं नहीं, ये बाई इलेक्शन में कुछ एडवांटेज जो है वो सरकार जिसकी सरकार होती है उसको मिलता है। ये तो बाई इलेक्शन ऑलमोस्ट जब हम देखते हैं ऑलमोस्ट सरकार का ही माना जाता है, लेकिन ये तो यहाँ पे हालात अभय चौटाला का यहाँ पे दबदबा मतलब जो है इतना ज़्यादा है इस विधानसभा क्षेत्र में, और पुराना विधानसभा क्षेत्र जो है ये वैसे भी मतलब जो है परंपरागत रूप से चोर देवीलाल का समर्थक रहा है, उसके बाद चौटाला के पक्ष में रहा, फिर अभय सिंह चौटाला चुनाव यहाँ से लगातार जीते रहे हैं, और सरकार के जब 3 साल का टाइम पड़ा है प्लस जो किसानी आंदोलन का उनको एक फेवरेट एक रीज़न था इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, लोगों में एक सहानुभूति थी, तो अगर आप वो जीत रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि ये भी एक बड़ी हार है बीजेपी के लिए, क्योंकि सत्तारूढ़ दल चाहे कितनी उसकी बुरी रिपोटेशन हो ये तय माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल ही, चाहे अगर वो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अगर आम चुनाव से कोई 6 महीने साल वगैरह 8-10 महीने या साल 1.5 साल पड़ा है फिर तो लोग जो उसके खिलाफ वोट दे देते हैं, लेकिन अगर 3 साल का टाइम अगर पड़ा है तो लोगों का प्रयास ये रहता है कि इसमें एक बड़ी संख्या होती है जो वोटर्स की, कर्मचारी कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं, कुछ लोग वैसे भी उनका मन होता है भी चलो सरकार कुछ काम हो जाएंगे सरकार के पक्ष में ही अपने वोट डालें, कहाँ तो वोट डाल के उस वक्त जिस वक्त आम चुनाव में नहीं पता होता किसकी सरकार बनेगी, लोग अंदाजे से लोग डालते हैं कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ, हर आदमी ये चाहता है कि मैं जिसको वोट डालूँ उसकी सरकार बने, लेकिन यहाँ तो सरकार बनी बनाई ही, अब वोट डालने वालों को मालूम है कि सरकार 3 साल रहेगी, बावजूद इसके अगर अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हार है बीजेपी की, जेजेपी गठबंधन की ये बहुत बड़ी हार है। सर साहब, अब आंकलन पर चलते हैं, बीजेपी के खाते में आपको क्या नजर आ रहा है, कितना संख्या आप मानते हैं वोटर्स की कि इतने जो मत हैं बीजेपी जेजेपी के इस उम्मीदवार को मिलने की संभावना है? देखो, बीजेपी प्रत्याशी जो है वो शहर में जीत रहा है एक नंबर पे, जो शहर के अंदर जो वोट उसको मेरा अंदाजा है कि 9,000-9,500 वोट उसको मिलेंगे। दूसरा, यहाँ की जो पंजाबी बेल्ट है 21-22 गांव है पंजाबी बेल्ट के, उसमें भी विगत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पवन बेनीवाल थे, उनको बढ़त मिली थी, दो नंबर पे अभय चौटाला थे, लेकिन चूंकि पंजाबी बेल्ट के में ही जो है किसानी आंदोलन के चलते बहुत ज़बरदस्त जो है वो मुखर विरोध बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी का देखने को मिला। इन गांव में तो बीजेपी कैंडिडेट जा ही नहीं पाया, कई गांव में तो बीजेपी कैंडिडेट जा ही नहीं, अपना प्रचार ही नहीं कर पाया।
और इस आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ पे कितनी बुरी, यहाँ पे बीजेपी इनेलो और कांग्रेस का मुकाबला माना जा रहा है और बीजेपी बुरी तरह से 3 नंबर पे है यहाँ पे, और आप अंदाजा लगाइए वैसे ये जो इलाका है परंपरागत से कांग्रेस का समर्थक रहा है क्योंकि हमेशा ही कांग्रेस और इनेलो या पूर्व लोकदल में जो मुकाबला होता है तो इस बेल्ट में जो है कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिलती थी, बागड़ी बेल्ट में जो है वो इनेलो प्रत्याशी को बढ़त मिल जाए करती थी, बागड़ी बेल्ट के गांव ज्यादा थे तो वहां पे उनको उनकी जो लीड है वो जीत में बदल जाती थी। लेकिन इस चुनाव में परिस्थिति बिल्कुल उल्ट है, जब क्योंकि लोगों ने देखा कि बीजेपी को तो बिल्कुल इस बेल्ट में वोट नहीं मिल रहे, उसके बाद में दो ऑप्शन थे उनके पास, इनेलो और कांग्रेस, लास्ट आते आते स्थिति ये बन गई कि कांग्रेस प्रत्याशी जीत नहीं रहा है, तो लोगों का मन जो है वो इनेलो के पक्ष में चला गया। तो मेरा अंदाजा ये है कि ये जो पंजाबी बेल्ट है, इस पंजाबी बेल्ट के अंदर जो है बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी 2-3 हजार वोट ही ले पाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा उसको मार पड़ेगी। हाँ, जो 45 था जो बागड़ी 54 जो गांव है बागड़ियों के, उन गांवों में आधा दर्जन गांव ऐसी है जहाँ पे जेजेपी का असर है, तो वहां पे उनको लाभ जो है वो बीजेपी प्रत्याशी को मिला है, वो उसका मत जो है मतदान उनके पक्ष में जाएगा। और वहां पे क्योंकि उन लोगों के मन में ये बात तो थी कि हमने किसान आंदोलन के बारे में चर्चा थी इन, लेकिन वहां पे उन्होंने खुले रूप से उन्होंने विरोध नहीं किया, ये बात उन्होंने जरूर कही कि हम अपनी वोट से चोट करेंगे, लेकिन फिर भी उन गांवों की जो रिपोर्ट्स छन छन के जैसे आ रही है तो वहां पे क्या स्थिति बनी है, वहां पे जहां पे शुरुआती दौर में धीरे 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 चुनाव के आखिरी मतदान के दिन जो है जेजेपी बीजेपी प्रत्याशी ने अच्छी जो है अपनी स्थिति को सुधार किया है, और जहां पे वो काफी कमजोर पहले लग रहे थे उतने कमजोर वो नहीं रहे। तीसरा सेगमेंट शहर का है, शहर में जो है वो बीजेपी प्रत्याशी का हम शुरू से ही मान के चल रहे थे कि एक तो अग्रवाल बिरादरी जो है वो इनके पक्ष में उनका भुगतान मतों का होगा, 90-85% जो मत उनको मिलेंगे, और वैसे भी शहर में बीजेपी जो है वो उनको हमेशा ही वो जो है वो वोट मिलता रहा है। तो वहाँ पे 1 नंबर पे जो बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा वो रहेंगे, तो अगर तीनों सेगमेंट हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में इनका वोट मेरे हिसाब से 40-45 हजार जो वोट है वो जो है वो मिलना चाहिए, मतलब 40-45 के आसपास गेम रह सकती है। हाँ, पोलिंग पे डिपेंड है, कुछ हो सकता है पोलिंग ज्यादा हो जाए तो वो 1000-2000 वोट वो रेशियो बढ़ेगी तो वो उनके भी वोट बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल का, क्योंकि इस चुनाव में पूरे देश में एकमात्र ऐसे विधायक अभय सिंह चौटाला ही थे जिन्होंने इस्तीफा देकर किसानों को अपना समर्थन दिया था, और सीधे तौर पर ये उपचुनाव हरियाणा का एकमात्र इसीलिए हुआ कि अभय सिंह का इस्तीफा था और उसके बाद द्वारा से मतदान होना था। सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में कांग्रेस का मुख्य एजेंडा भी बीजेपी जेजेपी का विरोध था और INLD का एजेंडा भी समर्थन देकर किसानों के लिए इस बार जमीन तैयार करना कि वो बीजेपी जेजेपी का विरोध करे, मगर कांग्रेस ने इस बात को बनाने की कोशिश जरूर की कि अभय सिंह चौटाला ने अगर इस्तीफा दिया तो फिर उनका दोबारा से चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, मगर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि अभय सिंह के इस्तीफे के बाद उनके साथ कौन है, क्योंकि इस बात को कांग्रेस भी अच्छे से जानती थी कि इसका सीधा सा जो सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला है वो अभय सिंह को ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो जाट बहुल्य इलाका और इसके साथ साथ जैसे सान साहब पहले बता रहे हैं कि किसान बहुल्य इलाका भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पंजाबी बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो उग्र विरोध है वो बीजेपी जेजेपी को झेलना पड़ा है। अब हम जिक्र करते हैं अभय सिंह चौटाला की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि पहले दिन से ये तय हो चुका था, इसमें परसेप्शन ये बनी थी जो अवधारणा आज तक भी वो चल रही है कि इसमें जीत तो अभय सिंह ही रहे हैं, कुछ लोग इसको 10,000 मतों से जीता दिखा रहे हैं, कुछ लोग 40,000 से 50,000 से 60,000 से, ये INLD जो इनेलो के समर्थक है उनकी अपनी अपनी निजी राय हो सकती है, मगर आंकलन में जब देखा जाएगा तो बहुत सारे तथ्यों को देखना पढ़ना पड़ता है, जमीनी स्तर पर समझना पड़ता है और वो एक विश्लेषक का काम होता है। सान साहब, INLD के पत्ते भी हम खोल रहे हैं अब, क्योंकि सबसे बड़ा बेसब्री से इंतजार तो दर्शकों को यही है कि अभय सिंह कितने मार्जिन के साथ जीत रहे हैं, ये उन्होंने तय कर लिया है कि वो जीत रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है, अब इस चुनाव के प्रचार के दौरान ये देखा कि कहीं पत्रकार ने किसी भी व्यक्ति ने जाके जब सीधा जाके आम मतदाताओं से पूछा कि आप किसको वोट डाल रही हो,
तो ये बात स्पष्ट रूप से देखने में सामने आई कि जो मतदाता कह रहा है कि मैं वोट तो कांग्रेस को दूंगा लेकिन जीत अभय सिंह रहा है, मतदाता ने कहा मैं वोट तो बीजेपी को दूंगा लेकिन जीत अभय सिंह रहा है, जब ऐसी परिस्थिति चुनाव में आती है, हमारा 30-35 साल का ये तजुर्बा है, जहां कहीं भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ये परिस्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में उस जिस प्रत्याशी का नाम लिया जा रहा है कि वो जीत रहा है, विरोधी पक्ष उसको कह मान रहा है कि वो जीत रहा है, तो उसके पक्ष में 5-8% मतदाता जो वाइब्रेंट टाइप के होते हैं, जो जीत के साथ जाना चाहते हैं, वो मतदाता उनके पक्ष में जुड़ जाते हैं। तो इस बार का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो अभय चौटाला को ये मिला कि जब हर बात से पहले दिन से चर्चा थी कि अभय चौटाला ही जीत दर्ज कर रही हैं, उनके विरोधी ये बात मान रही हैं, इसके चलते उन्हें एक बड़ा फायदा हुआ। दूसरा उनको बड़ा फायदा ये हुआ कि जो पंजाबी बेल्ट जहाँ पे वो कमजोर रहते थे हमेशा ही, वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि जहाँ पे पिछले चुनाव में बीजेपी एक नंबर पे आई और बीजेपी प्रत्याशी को तो वहाँ पे घुसना ही नहीं दिया गया, तो वहाँ पे तो वो बुरी तरह से 3 नंबर पे 9,000 वोट पिछली बार उनको वहाँ से मिले थे, तो वो अब की बार 2,500-3,000 मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ, वो जो 5-6,000 वोट जो पिछली बार बीजेपी के अकाउंट में गया था उसका 70-80% जो है वो सीधा अभय सिंह के अकाउंट में जा रहा है। दूसरा लास्ट में स्थिति क्या बनती गई, धीरे 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 चुनाव प्रचार जूं अपने पीक पर पहुंचा तो जो है कांग्रेस जो है वो डाउन होती चली गई, तो इस बेल्ट के अंदर भी जो कांग्रेस का एक वोट मिलना चाहिए था उसमें भी वो एक जो है बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है, हो सकता है पिछले जितना उसको पिछली बार मिला है उतना वोट उसको मिल जाए लेकिन बढ़ोतरी किसी भी हालत में नहीं होगी। तो अभय सिंह को जो है पंजाबी बेल्ट जहाँ पे सबसे वो हमेशा कमजोर थे वहाँ पे उनको एक मुख्य मुकाबले वाले प्रत्याशी से एक बड़ी लीड मिलने जा रही है। दूसरा सेगमेंट अभय सिंह चौटाला का जहाँ पे पिछली बार भी हारे हमेशा ही हारते रही हैं लेकिन हारने का उनका थोड़ा जो मत है वो थोड़े ही रहते हैं, वो ऐसे जितने के मार्जिन से वो हारते हैं वो मार्जिन उनके 1-2 बड़े गांव पूरा कर देते हैं, शहर में पिछली बार भी वो 1400 वोट से हारे हैं, अब की बार हो सकता है वो 2-2500 से हारे क्योंकि कांग्रेस थोड़ी वहाँ पे शहर में कमजोर हुई है और बाहर अगर गांव में ज़्यादा विरोध था तो बीजेपी जेजेपी के जो कद्दावर नेता या जो उनके इतने ज़्यादा सरकार के समर्थक लोग थे वो जो पहुँचे उन्होंने सारा जोर कंपेन में जो है वो शहर के अंदर लगाया, उसका उन्हें तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो इसके चलते जो है वो शहर के अंदर जो है अभय सिंह चौटाला पिछली बार उन्हें तकरीबन 6,000 के करीब वोट मिले हैं, तो वोट तो उनको 7,500-7,800-8,000 मिलेंगे लेकिन बीजेपी प्रत्याशी उनसे 2-2500 वोटों से आगे रहेंगे। तीसरा उनका मुख्य बेल्ट थी बागड़ी बेल्ट जिसमें वो हमेशा जीत दर्ज करते रही हैं, पिछली बार उनका 15,000 वोट की लीड थी और उनको जितने उनको वोट मिले जो पिछली बार 42-43,000 उनको वोट मिला है, अब की बार मेरा अंदाजा है कि वहाँ उन्हें 50,000 के करीबी वोट मिल सकता है, उनके वोट में कहीं डेंट नहीं पड़ी, उनका वोट नहीं टूटा। बीजेपी को ये अलग बात है कि जेजेपी का वोट जो मिला था उसका एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को मिल जाएगा और कुछ उसका अभय सिंह के पास आएगा, लेकिन अभय सिंह को जो वोट जिस वोटर ने वोट डाला पिछले चुनाव में उसमें कोई बहुत बड़ी सेंध जो बीजेपी जेजेपी का प्रत्याशी नहीं लगा पाया। तो इन अगर सभी तीनों सेगमेंट को हम ज्वाइंट करते हैं तो जिस तरीके से पोलिंग हुई है और वोट भी कुछ 4-5,000 के करीब पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़े हैं, तो ऐसे लगता है कि अभय सिंह 65,000 के आसपास, 65,000 से लेके 70,000 और 70,000 क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है कि उनको वोट जो है मिलना चाहिए और जो हार जीत का मार्जिन है वो 20,000-25,000 के आसपास जो है वो रहना चाहिए। मतलब आपको 20 से ऊपर लग रहा है या थोड़ा नीचे भी आ सकता है? 20 से नीचे आने का तो कारण एक और है इसमें, 20 से नीचे आने का क्योंकि पिछली बार के मुकाबले एक तो 5,000 वोट ज्यादा हो गए और दूसरा चूंकि बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन सरपंची जैसा इलेक्शन बन जाता है, हर आदमी आके बैठा है, कार्यकर्ता बैठा है, जोर लगाता है, जिन आम चुनाव के अंदर इस तरह का जोर नहीं, मतलब जो है वो जैसे लोकसभा में और भी कम वोटिंग होती है, विधानसभा में उससे ज़्यादा होती है, गांव में सरपंची में जो है उससे ज़्यादा होती है, तो ये जो चुनाव बाई इलेक्शन होता है वो सरपंची जैसा चुनाव पड़ जाता है। तो मेरा अंदाजा है कि ये वोट प्रतिशत जो है वो 3-4% पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ेगा, 3-4% बढ़ेगा तो 7-8,000 वोट बढ़ गए और 5,000 वोट पिछले के मुकाबले जो ज़्यादा बने हैं, नए वोट बने हैं, तो उससे जो है वो तकरीबन जो है वो वोट वैसे ही 4-5,000 वोट तो वैसे ही बढ़ जाएंगे,
पिछली बार उन्हें 57,000 वोट मिला है, तो 61-62,000 वोट जो है उनके बनते हैं पिछले वोटिंग पैटर्न पे जाए जाए। और दूसरा जो पिछली बार 35,000 वोट जो कांग्रेस को मिला था उसमें से जो अब भरत सिंह बेनीवाल के जो कट्टर समर्थक है उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अभय चौटाला के पक्ष में जाने की संभावना है, तो वो चीज़ पंजाबी बेल्ट वाले जो वोट हैं वो भी जो बीजेपी को मिले थे वो भी अभय चौटाला के पक्ष में जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये 7-8,000 वोट जो है वो और उनके प्लस होते हैं। तो ये जो हमारा आइडिया 70,000 के आसपास जो है मैं मानता हूँ इस अभय सिंह की जो है वो लीड वोट उनको पोल होना चाहिए और लीड जो 25,000 प्लस होनी चाहिए। ठीक है सर, सब आखिरी मैं सवाल पूछना चाहूँगा जो एक सबसे आखिर में जो एक मतलब कांग्रेस ने और बीजेपी जेजेपी ने जिस मुद्दे को मतलब वायरल करने की कोशिश की वो थी संयुक्त किसान मोर्चा का अलग अलग फैसला। चढ़ूनी आए, उन्होंने कंडेला कांड का जिक्र किया और कहीं ना कहीं उनका इशारा कांग्रेस को रहा। टिकैत आए जिन्होंने झूला का झमेला में सबको डाला और सीधा इशारा अभय सिंह पर कर गए। उसके बाद जो बलवीर सिंह राजीवाल है उन्होंने फिर से एक वीडियो बनाया और उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, किसी को हमने समर्थन दिया, आप फ्री हैंड हो, जिसको मर्जी समर्थन दो। कैसे देखते हैं तीनों बहन? देखो एक बात तो तय थी कि संयुक्त किसान मोर्चा के जय किसी का भी बयान हो, जितने आपने नाम गिनाए हैं उन सब ने एक तो ये कहा कि बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं देना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब मुद्दा रह गया, अब लोग बहुत समझदार हैं, लोग ये समझते हैं कि अब कौन जीत रहा है, इतना तो लोग समझ रहे थे। जब बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी को किसानी आंदोलन के समर्थक वोट नहीं दे रहे, अगर उन लोगों के कहने से जितना भी वोट डला है तो उसका आप मान के चलिए 90-95% वोट अभय सिंह के पक्ष में जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है और बीजेपी को बड़े मार्जिन से जो है वो उनके मन की एक इच्छा थी कि जो लोग आंदोलन के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी बुरी तरह से हारे, तो बुरी तरह से कौन हराने जा रहा है? अभय चौटाला हरा सकता है। तो उन लोगों ने अपना मन एक बनाया कि अगर हमने बीजेपी को जब वोट नहीं, जब बीजेपी के प्रत्याशी को वो घुसने नहीं दे रहे, उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, तो उसके बाद में वो ये भी तो चाहेंगे कि वो हारे। तो हरा कौन रहा है? हरा तो वो जो बीजेपी का समर्थक है वो भी कह रहा है अभय सिंह जीत रहा है, कांग्रेस वाला भी बीजेपी कह रहा है अभय सिंह जीत रहा है, तो जो किसानी आंदोलन के समर्थक है उन्हें मालूम नहीं है कि कौन जीत रहा है, तो फिर हार में कौन डालने चाहेगा वोट? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो वो मार्जिन वो लीड भी बड़ी करना चाहती है कि बड़े मार्जिन से बीजेपी हारे तो हमारे आंदोलन को एक बल मिले कि ये देखो हमने आपको बुरी तरह से पब्लिक ने आपके खिलाफ मैंडेट दिया है, हमारी जो मांगे हैं वो जायज हैं। इन हालातों में चाहे टिकेत ये इशारा झोले वाला ना करते, चाहे चिडुनी कुछ कह दे कि कंडेला में क्या हुआ है, राज्यपाल कुछ मर्जी कह दे, लेकिन वोटर्स ने अपने तरीके से मन बनाया और जो बहुत बड़ा एक बहुमत जो किसानी आंदोलन का समर्थकों का वो जो है अभय चौटाला के पक्ष में मतदान हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इस चुनाव के बाद भी हम दोबारा से आपसे मिलेंगे, हम तमाम तथ्यों का फिर से आंकलन करेंगे, जो जो रिजल्ट सामने आएंगे उन रिजल्ट्स पर हम और भी अच्छे से आंकलन करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महावीर सारण जो जिक्र कर रहे थे, अक्सर उनका जो एग्जिट पोल होता है वो 100% रहता है, 100% लगभग उनका पूरा जाता है। इससे पहले भी तेज हरियाणा ने लगातार जो आम चुनाव थे 2019 में और उससे पहले लोकसभा के चुनाव, तब भी हमने पूरे ना सिर्फ सिरसा जिला बल्कि पूरे हरियाणा का एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल अलग आपको दिया था। और इसमें भी उम्मीद करते हैं कि जिन तथ्यों और जिन आंकलन के आधार पर जिन रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं उसका सही तो अमली जामा तो जो 2 तारीख को ही देखेगा आखिर वो कितना स्टीक और सार्थक होता है, मगर संभावनाओं पर आधारित और आंकलन पर आधारित और तमाम जितने भी जो एक रिसर्च का हिस्सा होता है एक विश्लेषक के लिए, जिन जिन बिंदुओं को वो अपनी रिसर्च में उस मेथोडोलॉजी का जिस तरीके से इस्तेमाल करता है तमाम जो बातें हैं वो एक आंकलन का हिस्सा होती है। ठीक, आंकलन और विश्लेषण एक ऐसा ही होता है जैसे आप अपनी गेहूं की फसल को लेकर मंडी में पहुंचते हैं और खरीद करने वाला सिर्फ एक मुट्ठी भर के तय कर देता है उसका दाम, यही विश्लेषण का खेल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस विषय पर अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।